हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इसी प्रकार एक तीसरा नुस्खा बताया, जिसमें श्वेत सरसों, वचा, हींग, कुष्ठ या कुट जिसके अभाव में पुष्कर मूल, और अक्षत अर्थात चावल जो टूटे हुए ना हो ऐसे चावल, या फिर जौ, भिलावा, अजमोदा, इनके चूर्ण को अंगारों पर डालकर उसकी धुने बच्चों को देने पर भी बच्चे निरोग्यता को प्राप्त करते हैं। और आजकल दक्षिण भारत में विशेष करके इसका प्रयोग होता है, और वहाँ पे आजकल तो वैसे वहाँ पर भी मिलावटी चीज़ें, एक छोटा सा कप बनाते हैं जिसको सांभराणी कप बोलते हैं। वैसे तो वो सांभराणी कप का उद्देश्य यह होता है कि ये जो विशेष बच्चे के निरोग्य के लिए जो द्रव्य होते हैं उनसे बनाया गया कप को सांभराणी कप कहते हैं। लेकिन आज वो कोयला आदि कई सारी चीज़ें मिला करके वो कप बना देते हैं, और उसका धूपन लोग बच्चों को देते, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको धूपित करने की वहाँ पर विशेष परंपरा है। तो हम अपने घर में ही ऐसे बना कुट पीस करके द्रव्यों को बना करके और फिर अपने बच्चों को धूपित करें, अपने घर में जहाँ बच्चे रहते हैं उनकी माता रहती हैं तो ऐसे स्थानों पर विशेष रूप से धूपन करके वायुमंडल का शोधन आदि करें और उसके स्वास्थ्य के लिए विशेष करके कामना करें। तो ये विशेष रूप से, और श्वासज रोग उसके लिए जैसे मैंने आपको तीन नुस्खे विशेष रूप से बताए, इसी प्रकार से अन्य जो कृमि रोग होते दोष आदि में जो प्रयोग होते हैं, मूरा जिसको गंध द्रव्य कहते हैं, नेत्र बाला सुगंध बाला जिसको कहते हैं, महुआ की छाल, चंदन, देवदारू, शहद, नख द्रव्य, पित्त पापड़ा, अगर, पीला, सुगंध बाला और इलायची, इनकी धुनी चित्त भ्रम, सन्निपात और ग्रह दोष नाशक तथा ऐश्वर्यदायक और कांतिदायक होती है। सब लोग चाहते हैं ना, ऐश्वर्य भी चाहते हैं, कांति भी चाहते हैं, अदृष्ट शक्तियों से अपना बचाव भी चाहते हैं, और चित्त भ्रम आदि जो उन्माद हो जाते हैं या मानसिक बीमारी जो हो जाती है, भूतोन्माद भी जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए विशेष करके यह हवीर द्रव्यों को लेकर के कुट पीस करके और उसकी धुनी करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यह ऐश्वर्यदायक भी होता है और कांतिदायक भी होता है, सौंदर्यदायक होता है, ये अपने आप में एक बहुत विशेष नुस्खा है। इसी प्रकार बेहद निघंटु रत्नाकर किमि रोगाधिकरण में बताया, इंद्रायण के पक्के फलों को गर्म तवे पर डाले, इनके धुएं से दांतों में जो कीड़ा हो जाता है वह तत्काल मर जाता है, यह प्रयोग परम उत्तम है। इंद्रायण के फलों को अंगारों के पर डाल करके उसकी धुनी देने से। इसी प्रकार से एक प्रयोग कई सारी जगह पे विशेष रूप से उपयोग में आता है, छोटी कटेरी के बीज, छोटे छोटे कांटे वाली वो होती हैं, उसके जो बीज होते हैं उन बीजों को लेते हैं और थोड़े से अंगारे लेकर के हल्के से उन अंगारों के ऊपर उन बीजों को डालते हैं और मुंह खोल करके वो एक जो गांवों में इसका प्रयोग करते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के अलग अलग कई सारे राज्यों में इसका प्रयोग होते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि विशेष करके ऐसा पात्र एक लंबा सा वो बना लेते हैं, उसको मुंह में रख लेते हैं खोल करके, और नीचे अंगारी रख करके उसके ऊपर पाइप जैसा होता है इतना मोटा, और अंगारों के ऊपर वो रखते हैं और मुँह खुला रख करके उसको पूरा धुआं को मुँह में जाने देते हैं, तो उससे वो दांतों में और सब जगह पे लगता है, तो दाढ़ से लेकर के दांतों में जहाँ पे भी सड़न है, कीड़ा है या जो दांत सड़, उसमें जो कीड़ा होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और दांत बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाते हैं।
तो जिनके दांतों में ज्यादा कीड़ा पड़ते हैं, सड़ रहे हैं, तो वो छोटी कटेरे के बीज या इंद्रायण के फल को अंगारों के ऊपर डाल करके और उसका धुआं लेकर के भी उसको ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार हरित संहिता में बताया, गुग्गुल में मधु और घी मिलाकर धूप बनाकर ग्रह से पीड़ित रोगियों को ताड़ित करना चाहिए, अर्थात उनको विशेष रूप से धूप देना चाहिए। इसी प्रकार से चिकित्सा रणव में बताया, गुग्गुल धूपन कर्म के लिए प्रसिद्ध है तथा मंगलदायक होता है। ये जो गुग्गुल है वो धूपन द्रव्यों में प्रसिद्ध है और मंगलदायक होता है। वह शरीर के बाह्य तथा आभ्यंतर शोधन के लिए प्रयोग में आता है। ये बाह्य शोधन में भी और आभ्यंतर शोधन में भी प्रयोग में आता है। गुग्गुल मधुर रस के कारण वात शामक होता है। ये जो गुग्गुल है वह मधुर रस के कारण वात का शमन करता है। इसी प्रकार तिक्त रस के कारण कफ का शमन करता है, कफ का नाश करता है, और कषाय रस के कारण पित्त रोग का शमन करता है। अर्थात ये तीनों प्रकार के दोषों का शमन करने वाला होता है। चिकित्सा रणव के अंदर आयुर्वेद के ग्रंथ में विशेष करके त्रिदोष शामक, मंगलदायक, धूपन में प्रधान और वात पित्त और कफ को संतुलित करने वाला द्रव्य बताया गया ये गुग्गुल, तथा वह स्निग्ध गुण के कारण बलदायक तथा कटु रस के कारण अग्नि दीपक होता है। स्निग्ध गुण के कारण बल को देने वाला होता है और कटु रस के कारण अग्नि को प्रदीप्त, अर्थात जिसको भूख नहीं लगती है तो वो भी एक गुग्गुल की धुनी लेते हैं तो उसकी अग्नि प्रदीप्त होगी। युक्ति पूर्वक प्रयोग करने से यह गुग्गुल पांडु, उदर रोग, अर्श, स्तंभ, शूल, वात रक्त, कृमि रोग, कुष्ठ रोग, प्रमेह, विष रोग, हृदय रोग, मेदो रोग, अम्लपित्त तथा ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों को नष्ट करने वाला होता है गुग्गुल। कितने सारे रोग, हार्ट रोग से लेकर के, कृमि रोग से लेकर के, कुष्ठ रोग, प्रमेह रोग, विष रोग से लेकर के, मैदा रोग, अम्लपित्त रोग और ऊर्ध्व जत्रुगत माने गले से ऊपर की ओर होने वाले जितने भी रोग हैं उन सब में भी यह गुग्गुल जो हविर द्रव्य है वो विशेष लाभ देने वाला होता है, विशेष उपयोगी में आने वाला द्रव्य होता है। तो एक गुग्गुल का प्रयोग हम विशेष रूप से इसमें लेते हैं। और मैं बताता हूँ, अथर्ववेद का भी जो प्रमाण है वो नतम यक्ष मारुंधति आदि, तो वो भी उस रूप में भी विशेष करके लाभकारी होता है। इसी प्रकार से चिकित्सालयों में बताया, नीम की पत्ती, वज, हिंग और सरसों, इन्हें सम भाग में लेकर धूप देने से दोष और भूतोन्माद नष्ट हो जाता है। जो अलग अलग प्रकार के दोष और जो भूतोन्माद हो जाता है, लोग पागलपन की तरह एक अलग गांवों में हम देखें तो एक अलग प्रकार के जीवन को लोग जीते हैं और वहां पे इस प्रकार की चीज़ों से वो पीड़ित रहते हैं, तो उस समय विशेष करके आप नीम की पत्ती, वच, हिंग और सरसों इन्हें मिलाकर संभाग में लेकर के उसका धुआं करके आप भूतोन्माद को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार चिकित्सा रणों में बताया, तुलसी की जड़ को पीस कर गोली बनाकर बिच्छू के दंश किए हुए स्थान पर कई बार फेरने से विष ऐसे उतरता है जैसे गुग्गुल से वृश्चिक दंश को धूपित करके अर्क के पत्तों को पीसकर लेप करने पर। तुलसी की जड़ को पीसकर गोली बनाकर बिच्छू के दंश के ऊपर, बिच्छू ने जहां काट लिया उसके दंश के ऊपर कई बार फेरने पर विष ऐसे ही उतर जाता है जैसे गुग्गुल से वृश्चिक दंश को धूपित करके, ये जो गुग्गुल है उसको अंगारे अच्छे से तैयार करके और डाले और उसका जो गाढ़ा गाढ़ा धुआं है उसको धूपित किया और उसके पश्चात अर्क, आंक, मदार, रुई के पत्तों को पीस दिया, कूट दिया, पीस दिया और उसका लेप उसके ऊपर लगा दिया, तो उससे जैसे दूर होते हैं वैसे ही उससे, तो मतलब ये जो धूम्र चिकित्सा है उसमें विष को भी ठीक करने के लिए इस प्रकार की ताकत होती है, शक्ति होती है। इसी प्रकार भेषज रत्नावली पुस्तक में विशेष रूप से ग्रंथ में बताया, गंध विरोजा,
गंध विरोजा एक गोंद होता है, चीड़ का गोंद, आज यहाँ उत्तराखंड में विशेष करके पाया जाता है। उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं और उससे वो गोंद का जंगल में रहने वाले, पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार होता है। आज हम जो ये पेंट करते हैं, कलर करते हैं घरों में, दीवारों में, सब जगह पे, उसमें भी उसी गोंद को विशेष रूप से मिलाया जाता है चिपकाने के लिए, पिघाल करके पानी के साथ। तो वो गंध विरोजा उसको बोलते हैं, चिड़ के गोंद को गंध विरोजा बोलते हैं। गंध विरोजा, गुगुल, एक गुगुल हमारे सामने रखा है। इसी प्रकार से अमर, अगर, इसी प्रकार से गुगुल, अगर, अगर होती है एक लकड़ी, काली लकड़ी होती है थोड़ी सी। राल, राल होता है साल के पेड़ के गोंद को राल बोलते हैं। इन चारों द्रव्यों को चूर्ण करके धूपन देने से दूषित व्रण, इन चारों द्रव्यों को, गंध विरोजा, चिड़का गोंद, गुगुल, अगर, और अगर एक लकड़ी विशेष होती है, और राल, इन चारों को एकत्र कर कूट पीस कर पाउडर किया, उसका धूप देने से दूषित व्रण का श्राव, दूषित व्रण उसको कहते हैं जो पुराना हो जाता है और बिगड़ गया है, अब ठीक ही नहीं हो रहा है, दवाइयां खा रहे, अलग अलग वो चीजें कर रहे, उससे भी ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसा दूषित व्रण का श्राव, निरंतर पस पड़ गई है, पस निकल रही है, तो उसको धूपित करना, उससे वेदना, जो दर्द होता है, पीड़ा होता है, वो भी दूर होता है। एवं कृमियों, जो कृमि होते हैं, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया आदि जो हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो कृमि हो जाते हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है आदि, जो कृमि होते हैं, कृमि भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जो व्रण दीर्घ काल से, अर्थात लंबे काल से कारण कठिन हो जाते हैं, वह भी इस धूपन से नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जो कठिन हो चुके हैं लंबे समय से, वह व्रण भी इसके कारण से ठीक होते हैं। तो यह एक विशेष प्रयोग है। इसी प्रकार अग्नि पुराण में कहा, आरोग्य का इच्छुक और महान उत्पात से आतंकित मनुष्य दुर्वा का हवन करे। दुर्वा माने दूब घास होता है उसका। किसको कहा? आरोग्य के इच्छुक, जो स्वस्थ हमेशा रहना चाहता है वह व्यक्ति, और महान उत्पात से आतंकित मनुष्य दुर्वा से होम करें। सौभाग्य या सौभाग्याभिलाषी गुगुल का, जो अपने सौभाग्य को चाहते वो गुगुल से हवन करें, और विद्या के इच्छुक को खीर का हवन करना चाहिए। जो विद्या प्रेमी है, विद्या को चाहता है, वो खीर से हवन करें। इसी प्रकार से अग्नि पुराण में कहा, गुलर की घृत युक्त समिधाओं का हवन करने से मनुष्य समस्त पासों का छेदन करके रोगहीन जीवन जीता है, उसके जीवन में रोग नहीं आता है। दुर्वा का हवन, दुर्वा व्याधि विनाशिनी होमयेत, दुर्वा का हवन व्याधि बीमारियों का नाश करने वाला, दुर्वा दूब घास जिसको कहते हैं, वो सभी व्याधियों का नाश करने वाला होता है। तो इस प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में अलग अलग प्रयोग बताया है कि दुर्वा, दूब, अक्षत तथा घी की आहुति देने से सारे रोग दूर होते हैं। केवल घी की 1000 आहुति देने से बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बिनोला, कटेरी, लजालू जिसको लाजवंती कहते हैं, मेन फल, दालचीनी, जटामासी, वच, हींग और काली मिर्च, ये समान भाग में लेकर कूट पीस करके धुनी दे तो कंद ग्रहोन्माद, पिशाच, यक्ष, राक्षस और देवताओं के देह में आना बंद हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी समस्याएं होती है, लोग बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार से अलग अलग अदृष्ट चीजों से और भूतोन्माद और अलग अलग प्रकार के शक्तियों से पीड़ित रहते हैं, तो उसके लिए ये नुस्खों का आप विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रिमधु, शर्करा, गुड़ और मधु में डुबाई हुई दुर्वा का गायत्री मंत्र से हवन करने पर मनुष्य सब रोगों से छुटकारा पा लेता है। इसी प्रकार से तनुपाग्ने आदि जो यजुर्वेद के मंत्र है, इत्यादि मंत्र द्वारा
दुर्वा का हवन करने से मनुष्य का संकट दूर हो जाता है। भेषजस असी आदि यजुर्वेद के तृतीय अध्याय के मंत्रों का उच्चारण करते हुए दही एवं घी का हवन किया जाए तो वह पशुओं पर आने वाली महामारी रोग जो बीमारियां होती हैं वह दूर हो जाती हैं। और इसी प्रकार यजुर्वेद के त्र्यंबकम आदि मंत्रों का साथ किया हुआ हवन सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। इस प्रकार से अग्नि पुराण में भी और अलग अलग हमारे प्राचीन ग्रंथों में विशेष विशेष कुछ नुस्खे, विशेष विशेष कुछ रोगों को दूर करने के लिए नुस्खे बताए। जिसको हिचकी बहुत ज़्यादा आती है गले में, तो वो हिचकी के लिए क्या करे, तो इसके लिए बताया हल्दी, जौ, एरंड की जड़, पीपल, लाख, मैंसिल, देवदार, हरड़, जटामासी, मधुमक्खी का छत्ता अर्थात मोम, राल, पद्मकाठ, पद्मकाठ माने पद्म की लकड़ी, गुग्गुल, टगर, सलई, सलई एक गोंद होता है, सलई गुग्गुल उसको बोलते हैं, आदि औषधियों का धूम्र लेने से हिक्का हिचकी जो आती है वो ठीक हो जाती है। इसी प्रकार मांस उड़द के चूर्ण का धूम ग्रहण करने से भी हिचकी ठीक हो जाती है, उड़द के धूम्र से भी। इसी प्रकार शिलाजित और मूली अथवा कस्तूरी और बबूल अथवा कूट और राल इस अथवा दर्भ और घी के योग करके उसको अंगारों पर रखकर धूम लेने से भी हिचकी ठीक हो जाती है। ये हिचकी के लिए विशेष करके जो धूम्र के विशेष नुस्खे बताएं। इसी प्रकार से ज्वर, बुखार जो आ जाते हैं, ज्वर को ठीक करने के लिए, बुखार को ठीक करने के लिए भी विशेष विशेष नुस्खे बताए, जिसमें वच, कूट, गोगुल, नीम के पत्र और शहद, इनको सबको समान मात्रा में मिलाकर कूट पीस कर एक चूर्ण तैयार करके उसको अंगारों के ऊपर डालकर उसकी धुनी देने पर सभी प्रकार के बुखार ज्वर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे नुस्खे में बताया मसूर की भूसी की धुनी देने से भी सभी प्रकार के ज्वर दूर होते हैं, खाली मसूर की भूसी। इसी प्रकार से गोगुल, वच, राल, नीम के पत्र, अर्क का पत्र, आंख मदार रुई के पत्र, अगर और दारू हल्दी, इनकी धुनी सभी प्रकार के ज्वरों को नष्ट करती है। इसे अपराजिता धूम कहते हैं, सभी प्रकार के ज्वरों को ठीक करने वाली होती है। इसी प्रकार से शिवलिंगी, शिवलिंगी एक बीज होते हैं, मेन फल, जटामांसी, बांस की छाल, गाय का घृत, जौ, गुड़, बाउची, सफेद सरसों, वच, हींग, इंद्रायण और काली मिर्च, ये समान भाग में ले करके उसकी धुनी दे तो सर्व ज्वर एवं नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। इसे माहेश्वर धूम कहते हैं। ये माहेश्वर धूम सभी प्रकार के ज्वरों को शांत करने के लिए विशेष करके लाभ करके, और जो अदृष्ट शक्तियों से लोग परेशान रहते हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए भी विशेष करके ये माहेश्वर धूम विशेष करके लाभकारी होता है। ऐसे ही गुगुल, वचा, राल, नीम के पत्ते, अगर, देवदार, इनको समान भाग में लेकर कूटकर रोगी को धूपित करने से समस्त प्रकार के ज्वर नष्ट हो जाते हैं। यह अपराजित धूम पराजित नहीं होता है, अर्थात निश्चित रूप से ज्वर का अंत करने वाला होता है। ऐसे ही कुष्ठ रोग, जो कुष्ठ रोग हो जाते हाथ पैर कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ जो होते हैं उसके लिए बताया अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मैंसिल, अगर, तेजपत्र आदि जो गंध वर्ग की औषधियां हैं उसके धूम से सिर में होने वाले कृमि कुष्ठ और किल श्वेत कुष्ठ भी नष्ट हो जाते हैं। सिर में होने वाले कृमि कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ भी इसके धूम्र से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही उन्माद, उन्माद पागलपन जिसको हम कहते हैं, उसके लिए अपराजिता, मालकांगनी,
हरताल, मेनसिल, अगर, तेजपत्ता आदि जो गंधवर्गीय औषधियां होती है उससे ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से देव विपाश चिकित्सा, देवीय चिकित्सा, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र का दर्शन और इसको करने से भी वह बीमारी हमारी विशेष रूप से शांत और दूर होती है। ऐसे ही अर्श, जिसको बावासीर कहते हैं, भगंदर आदि हो जाते हैं, उसके लिए आंक की जड़, समी के पत्र, तुमरु, वाय विडंग, देवदारु, अक्षत अर्थात चावल, बिना टूटे हुए चावल, बड़ी कटेरी, अश्वगंधा, पिपली, तुलसी के पत्र, गाय का घी आदि औषधियों से धूपन करने से अर्श ठीक हो जाता है, बावासीर ठीक हो जाता है। इसी प्रकार और नुस्खे भी बताए बृहद निघंटु रत्नाकर में, विषम ज्वर प्रकरण में, कि अश्वगंधा, निर्गुंडी, कटेरी, पिपली इनकी धुनी से बावासीर में विशेष रूप से हितकारी होती है। और एक और नुस्खा बताया जिसमें राल, साल के पेड़ के गोंद को बोलते हैं, उसके चूर्ण का तथा सरसों को एकत्र कर धुनी देने से बावासीर, जो रुधिर का स्राव होता है वह भी बंद होता है, बावासीर में रुधिर का स्राव होने लगता है वो भी बंद हो जाता है। राल, साल के पेड़ के गोंद को राल बोलते हैं, और सरसों, इनको दोनों को मिला करके धुनी करने पर यदि बवासीर वाले रुधिर अधिक होता है, निकलता है, तो कपूर की धुनी देने से, कपूर होता है, कपूर की धुनी देने से भी वो अधिक रुधिर का स्राव होता है तो बंद हो जाता है। इसी प्रकार यौ, जिसको जौ बोलते हैं, यौ, सरसों, वैसे जौ की एक अन्य प्रजाति होती है यौ, जिसको हम पशुओं को ज़्यादातर खिलाने के लिए प्रयोग करते हैं, और ओट्स आदि जिससे बनते हैं, यौ, सरसों, भिलावा का फल, वसा, चंदन, कूठ, शीशम की लकड़ी, गोबर तथा राल, इनके धूप के साथ रीठा एवं सहजने के पत्ते के साथ घी मिलाकर धूपन करने से अर्श का नाश हो जाता है। यह श्रेष्ठ फल देने वाला नुस्खा होता है। इस प्रकार यह अर्श के लिए, बावासीर के लिए भी। तो आज हमने कुछ विशेष जो आयुर्वेद ग्रंथों में धूम्र चिकित्सा के विशेष विशेष लाभकारी प्रयोग जो बताएं, उन प्रयोगों को हमने देखा, और उसके साथ साथ हमने कुछ विशेष हवन सामग्रियां, वात रोगों के लिए वातारी हवन सामग्री, मस्तिष्क रोगों के लिए मेथी हवन सामग्री, कुष्ठग्न हवन सामग्री आदि कुछ विशेष हवन सामग्रियों के बारे में भी, और कई सारे घरेलू नुस्खे जो हम कर सकते हैं और विशेष लाभ उठा सकते हैं। तो आज हमने ये कई सारे विशेष करके यज्ञ चिकित्सा में लाभकारी जो द्रव्य थे उन द्रव्यों के ऊपर हमने दृष्टिपात किया, और इसका प्रयोग करने पर कैसे लाभ होता है कल हम आपके साथ उसके प्रत्यक्ष उदाहरणों के साथ हम आपके साथ उपलब्ध होंगे। और ऐसे ज्वलंत ज्वलंत उदाहरण जिन्होंने इस यज्ञ चिकित्सा को अपनाया, हवन चिकित्सा, अग्निहोत्र चिकित्सा को अपनाया और जो अद्भुत लाभ उन्होंने प्राप्त किए, वो कल आप स्वयं उनके मुख से उनके विशिष्ट लाभों को जानेंगे। यज्ञ उसको कहते हैं जिसमें विद्वानों का सत्कार हो, जिसमें कोई हिंसा ना हो, जिसमें विद्या आदि शुभ गुणों का दान हो, जिसमें अग्निहोत्र आदि से वायु, वृष्टि जल एवं औषधि आदि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचता है। यज्ञ उसको कहते हैं अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ पर्यंत व जो शिल्प व्यवहार और पदार्थ विज्ञान है, जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं।
यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।